हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखिए तो लास्ट फ्राइडे के दिन ना ही तेजी देखने को मिली, ना ही इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर यह स्टॉक एक ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पीछे के एक हफ्ते की बात करें तो इस स्टॉक में अराउंड 2% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और यह स्टॉक एक महीने में 7.5% जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया है अराउंड 133 रुपए। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहा है जो नीचे का इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है अराउंड 104 रुपए। 104 रुपए इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है तो इसमें एक खरीदारी होती हुई नजर आएगी। पीछे के 3 दिनों में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और लगातार इस स्टॉक में खरीदारी हो रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं अराउंड 105 रुपए का, और यहाँ से इस स्टॉक में ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 113 रुपए और सेकंड टारगेट 117 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।